और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां अमरपाटन में एक व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि हत्या की वारदात इलाके के ही सटोरिय शिवचरण गुप्ता ने अपने अवैध देसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर अंजाम दिया। आरोपी इतना दबंग था कि हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके पर ही मौजूद रहा और सट्टे की रकम न देने पर हत्या की बात कबूल की। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमरपाटन थाना पुलिस ने आरोपी को दो देसी लोड पिस्टल के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सतना के अमरपाटन में सतना तिराहे पर मंगलवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके के नामी सटोरिये शिवचरण ने बाइक में सवार होकर ऑटो पार्ट के व्यापारी दिलीप जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के पहले दोनों के बीच पैसे के लेन देन का काफी देर से विवाद चल रहा था और फिर जाते जाते सटोरिया से शरण ने अपने दो देसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात ये थी कि आरोपी हत्यारा हत्या करने के बाद मौके पर ही अपनी बाइक में सवार रहा और लोगों से ये कहता रहा कि अपने सट्टे की वसूली में आया था, जिसे देने से मृतक ने इनकार कर दिया तो उसने घटना को अंजाम दे दिया। बहरहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। बंद करवा। ये अमरपाटन कस्बे में मेन चौराहे पर आज रात करीब 8:30-9 बजे की बात है, दिलीप जैन को शिवचरण गुप्ता ने गोली मारी, इससे उसकी मृत्यु हुई। मैटर दर्ज कर लिया, हम लोगों ने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए हमने हिरासत में लिया है। अभी कट्टा भी जब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।